हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक्सेल में सीखेंगे फर्स्ट नेम, मिडल नेम, लास्ट नेम फाइंड करना। तो देखिए, मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे कुछ नेम्स है, तो इसमें से मुझे क्या करना है, फर्स्ट नेम अलग करना है, मिडल नेम अलग करना है और लास्ट नेम अलग करना है। तो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ स्टेप बाय स्टेप कि फर्स्ट नेम हम कैसे निकालते हैं। इक्वल टू, यहाँ पर आपको लगाना है लेफ्ट, उसके बाद क्या बोल रहा है टैक्स, तो इस टैक्स में से कॉमा। अब कह रहा है नंबर कैरेक्टर कितने चाहिए, तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे अमित में लिखा है, अमित में कितने कैरेक्टर्स है, फोर। अगर मैं यहाँ पे फोर देता हूँ और इसके बाद ब्रैकेट क्लोज करने के बाद जब इंटर करूँगा तो ड्रैग करने के बाद क्या होगा, ये सभी में फोर फोर आएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए अमित में तो फोर है, तो फोर आ गया इसमें। लेकिन अरविंद में कितने हैं, सिक्स, फोर और टू सिक्स। प्रकाश में कितने हैं, सेवन। तो फिर हमें करना क्या है कि हमें सभी का फर्स्ट नेम फाइंड करना है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो आपका नंबर कैरेक्टर्स है, यहाँ पे एक हवर लगाएंगे फाइंड का। फाइंड में क्या होगा हमारा, सबसे पहले देखिए क्या बोल रहा है, फाइंड टैक्स, तो मैंने दे दिया यहाँ पे स्पेस, ये डबल इन्वर्टेड कॉमा का मतलब होता है स्पेस, कॉमा, विद इन टैक्स, कहाँ से, तो इस टैक्स में से, कॉमा। कह रहा है स्टार्ट नंबर, कौन सा स्पेस फाइंड करना है, तो फर्स्ट वाला दे दिया हमने वन। तो नंबर कैरेक्टर की जगह ये फार्मूला लगा दिया, तो ये क्या करेगा, टैक्स हमारा लेफ्ट कि इस टेक्स्ट में से जहाँ तक स्पेस है उसे प्रिंट करा देगा। तो इंटर करिए, आप यहाँ देख सकते हैं आपका अमित प्रिंट हो गया। इसी तरीके से जब इसको हम ड्रैग करेंगे तो जहाँ जहाँ आपका स्पेस है तो ये आपका डाटा यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। तो फर्स्ट नाम हम ऐसे निकालते हैं। आइए मैं आपको बताता हूँ लास्ट नेम। तो लास्ट नेम के लिए देखिए इसके कुछ लॉजिकल कंडीशंस है, तो आपको सिर्फ लॉजिक समझना है कि लास्ट नेम कैसे निकाला गया। तो ये जो नाम्स है इसमें से सबसे पहले मैं निकालूंगा स्पेस, कि स्पेस कितने हैं। इक्वल टू, मैंने लिखा यहाँ पे लेन, उसका दे दिया इस टेक्स में से माइनस लेन और सब्सिट्यूट। तो लेन का काम होता है टोटल कैरेक्टर कैलकुलेट करना और सब्सिट्यूट का काम होता है रिप्लेस करना, बदलना, ओल्ड टेक्स को न्यू टेक्स में कन्वर्ट करना। तो देखिए, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे कह रहा है टेक्स, तो ये हम टेक्स दे दिया कॉमा। अभी कह रहा ओल्ड टेक्स, ओल्ड टेक्स में दे दिया, मुझे इसमें से क्या निकालना है, स्पेस, तो डबल इन्वर्टेड कॉमा का मतलब क्या होता है, स्पेस कॉमा। न्यू टेक्स्ट क्या चाहिए, तो मुझे कुछ भी नहीं, उसके लिए क्या लगाते हैं, डबल इन्वर्टेड कॉमा दो बार, तो बीच में मैंने गैप नहीं दिया है, तो इसका मतलब होता है नथिंग, कुछ नहीं। और इसको कर दिया ब्रैकेट क्लोज और इंटर। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि टोटल स्पेस यहाँ पे फाइंड होके आ गया। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि दूसरे स्पेस में कुछ रिप्लेस कर देता हूँ। जैसे यहाँ पे स्टार्टिंग में लगाया मैंने सब्स्टिट्यूट, अभी कह रहा टैक्स, तो इस टैक्स में कॉमा, ओल्ड टैक्स, ओल्ड टैक्स में दे दिया स्पेस कॉमा। न्यू टैक्स क्या चाहिए, मुझे चाहिए यहाँ पे एट द रेट कॉमा, तो जहाँ पे भी स्पेस होगा वहाँ पे क्या आ जाएगा, एट द रेट। अभी कह रहा आपसे इंस्टेंट नंबर, आपके कौन से स्पेस में देना है, पहले वाले में या दूसरे वाले में। तो आपने यहाँ पे देखा था, यहाँ पे जिसका रिजल्ट है वो है आपका टू, ठीक है। तो यहाँ पे ये फार्मूला काम नहीं करेगा, इसका रिजल्ट क्या आया था हमारा, टू। तो ये इसकी आप यहाँ पे टू ना लिख के ये फार्मूला हमारा यहाँ पे काम करेगा टू के लिए, यानी कि दूसरे स्पेस में क्या आना चाहिए, एट द रेट। लास्ट में क्या करेंगे हम, सबमिट क्लोज और इंटर। तो आप यहाँ देख सकते हैं अमित कुमार में सेकेंड स्पेस में क्या आ गया, एट द रेट। अब मैं यहाँ टोटल काउंट करूँगा कि एट द रेट कौन से पोजीशंस पे है इस टेक्स्ट में से, ठीक है। तो देखिए यहाँ मैंने लगाया एक सर्च का फार्मूला, उसके बाद क्या रहा है, फाइंड टेक्स, क्या फाइंड करना है, तो मैंने दे दिया यहाँ पे एट द रेट कॉमा। अब कह रहा है विद इन टेक्स, कहाँ से, तो इस टेक्स्ट में से। आपने रिजल्ट देखा था कि अमित कुमार रिजल्ट आ रहा था, उसके बाद यहाँ पे क्या था, एट द रेट और गुप्ता, तो मुझे दे दिया कि इस टेक्स्ट में जो इसका रिजल्ट आया हुआ है। देखिए ये जो सर्च है हमारा, तो यहाँ पे जो मांग रहा है विद इन टेक्स, तो मतलब इसका जो रिजल्ट आता है वो यहाँ काम करता है। तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, सर्च क्लोज और इंटर। तो आपको देख सकते हैं सर्च फार्मूले से क्या हुआ, एट द रेट की पोजिशंस आ गई कि वो कौन से पोजिशंस पे है। उसके बाद मैं क्या करूँगा, जहाँ तक एट द रेट है उसको माइनस कर दूंगा, तो क्या बचेगा हमारे पास, गुप्ता। उसके लिए मैंने यहाँ लगाया राइट, उसके बाद क्या बोला टैक्स, मैंने दे दिया इस टैक्स में से
माइनस कॉमा, देखिए सबसे पहले क्या बोला टेक्स्ट, ये हम टेक्स्ट दे दिया ए टू, उसके बाद कॉमा, कह रहा नंबर कैरेक्टर्स कितने चाहिए, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे एक फॉर्मूला लगाया मैंने, लेन दे दिया इस, ये जो टेक्स्ट है हमारा इसमें से माइनस हो जाए ये सारा, तो यहाँ पे इसका रिजल्ट क्या था हमारा 11, तो जहाँ तक 11 होगा 11 पे क्या आ रहा था हमारा एट द रेट, तो जो माइनस हो जाएगा तो हमारे पास राइट में क्या बचेगा सिर्फ ओनली गुप्ता, ये देखिए। तो जैसे ही यहाँ पे लास्ट में क्लिक करके और राइट को क्लोज करूँगा तो इंटर करते ही आपका गुप्ता फाइंड हो गया। तो इस तरह से आप यहाँ पे फर्स्ट नेम मिडल नेम लास्ट में से आप गुप्ता राइट लास्ट नेम कैसे फाइंड करेंगे, तो आपने ये देख लिया सारा। आप अपने यहाँ पे ये हमारा फार्मूला लगा रखा है, इसे कॉपी पे नोट करके आप खुद से भी निकाल सकते हैं, इसे मैंने ड्रैग कर दिया, तो आप यहाँ देख सकते हैं सबका रिजल्ट ऑटोमेटिक आ चुका है। उसके बाद मिडल नेम के लिए देखिए इक्वल टू एक फार्मूला होता है मिड का, इसी क्या था मिड से मतलब कहाँ से आपको टैक्स फाइंड करना है मिड से, तो ये कह रहा टैक्स, तो ये दिया हमें टैक्स कॉमा, कह रहा स्टार्ट नंबर, तो स्टार्ट नंबर में जैसे मैंने लगाया यहाँ पे सर्च और यहाँ दे दिया मैंने एट द रेट स्पेस, तो मैं यहाँ पे मिड का टैक्स निकालूंगा लेकिन कहाँ से, जहाँ पे स्पेस है, देखिए स्पेस के बाद ही हमारा कुमार है, तो दे दिया स्पेस कॉमा, उसके बाद कह रहा है कि विद इन टैक्स कहाँ से, तो इस टैक्स में से, तो इसको कर दिया ब्रैकेट क्लोज सर्च क्लोज। तो देखिए अब यहाँ पे कह रहा है कॉमा, अगर मैं सिर्फ यहाँ तक ही निकालता हूँ तो क्या होगा, कुमार और गुप्ता दोनों प्रिंट हो जाएगा, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि यहाँ पे से मिडल क्या करेगा, यहाँ पे टेक्स्ट फाइंड करेगा कहाँ से, कुमार से, क्योंकि यहाँ पे सर्च में हमने क्या दे दिया स्पेस, तो स्पेस के बाद ही ये कुमार प्रिंट कराएगा, लेकिन दोनों ना प्रिंट कराए, उसके प्रिंट ना हो उसके लिए क्या करेंगे हम, एक मैंने फॉर्म लगाया यहाँ पे लेन, उसके बाद दे दिया हमने कि ये जो टेक्स है इसमें से माइनस हो जाए कौन सा, फर्स्ट नेम, तो फर्स्ट नेम कौन सा हमारा ये सी टू माइनस लेन, उसके बाद लास्ट में दे दिया हमने ये ई टू, ये लास्ट का फॉर्मूला है क्या हमारा ई टू लास्ट नेम, ब्रेक क्लोज। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि मिडल हमारा फाइंड होगा कहाँ से, यहाँ से, और ये सर्च सर्च जो है हमारा यहाँ, देखिए यहाँ क्या था विद इन टेक्स, तो इस टेक्स में से हमारा फाइंड होके आ जाएगा मिडल नेम, और जैसे ही मैं इंटर करूँगा तो आप यहाँ देख सकते हैं कुमार आपका फाइंड हो गया, और यहाँ से इसको ड्रैग करेंगे। तो इस तरह से आप यहाँ पे फर्स्ट नेम मिडल नेम लास्ट नेम निकाल सकते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम्स आती है आप हमारे कमेंट बॉक्स में टाइप करिए, आपको 100% उसका आंसर देंगे। हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। थैंक यू।